हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो सेफ्टी। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट वर्कर एंड एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू आईएलओ। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स। इंटरनेशनल सेफ्टी organization is the based of ILO, international level organization work for health safety and welfare of labor across the globe. labor ke health safety aur welfare ke jo bhi samasya hai uske bare mein ILO work karta hai, pure vishwa mein work karta hai। इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटीज की हम बात करेंगे। एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटीज एज पर आर्टिकल 16 ऑफ कन्वेंशन C-155, ये आईएलओ का ये एक लॉ बुक होता है। इसमें आईएलओ पूरा डिफाइन किया रहता है, वर्कर का एक्ट क्या रहता है, एम्प्लॉयर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहता है, ये पूरा उसके एक्ट में डिफाइन रहता है। तो एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटीज की। एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। एम्प्लॉयर का रिस्पांसिबिलिटीज क्या होता है, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज को हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहिए और प्रोविजन ऑफ सेफ प्लांट एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। एम्प्लॉयर को एक अच्छा सा प्लांट देना चाहिए, सेफ प्लांट होना चाहिए और सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए, सेफ मेथड काम करने का सेफ मेथड होना चाहिए, सेफ अरेंजमेंट फॉर हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस। एम्प्लॉयर अपने वर्कर को सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना चाहिए, किसी भी गुड्स को ले जाने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। इसमें इंस्ट्रक्शन का भी प्रोविजन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का होना चाहिए और सुपरवाइजर भी अरेंजमेंट करना चाहिए। ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना और पर्याप्त सुपरवाइजर अवेलेबल कराना। प्रोविजन ऑफ सेफ एक्सेस एंड एग्रेस, इसमें एम्प्लॉय को ये देखना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा है तो सेफ एक्सेस और एग्रेस हो रहा है, सेफ इन एग्जिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्रोविजन ऑफ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट एंड एडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटीज। और एम्प्लॉयर्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फैक्ट्री, हमारा वर्क प्लेस सेफ इन्वायरमेंट में है या नहीं है। नहीं है तो उसको सेफ इन्वायरमेंट अवेलेबल कराना चाहिए और एडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटीज और जो पर्याप्त वेलफेयर फैसिलिटीज है वो भी देना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। वर्कर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि अपने कंपनी के थ्रू वो क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फॉलो करें। तो वर्कर के बात करेंगे, टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड दैट ऑफ अदर पर्सन हु मे बी अफेक्टेड बाय देयर एक्ट्स एंड ओमिशन एट द वर्क। जब भी काम वर्क साइट पे काम करें, वर्क प्लेस पे काम करें तो वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टेक केयर फॉर देयर ऑन सेफ्टी। सबसे पहले अपना सेफ्टी को ध्यान में रखें एंड दैट ऑफ अदर पर्सन, दूसरे आदमी को भी सेफ्टी का बारे में ध्यान रखना चाहिए। हु आर अफेक्टेड बाई देयर एक्ट्स एंड ओमिशन एट द वर्क, जो काम कर रहे हैं उसके वर्क से कोई दूसरा आदमी अफेक्टेड तो नहीं है, ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए वर्कर। कंप्लाई विद लॉ गिवन फॉर देयर ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड दैट ऑफ अदर पर्सन हु मे बी अफेक्टेड बाई देयर एक्ट्स एंड ओमिशन एट द वर्क। जो भी ला दिया है कंपनी ने, गाइडलाइंस दिए हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और कुछ भी प्रोसीजर हेल्थ एंड सेफ्टी का है उसको भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट, इंसिडेंट
or injury to health which arises in the course of or in connection with the work. कोई सा भी एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस है वो तुरंत इमीडिएट विद इन 24 आवर्स में रिपोर्ट कर लेना चाहिए. एंड यूज सेफ्टी डिवाइसेस एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करेक्टली एंड डू नॉट रेंडर देन इनऑपरेटिव. सेफ्टी डिवाइसेस को अच्छा से करेक्टली जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसको अच्छा से यूज करें और इसको रेंडर डू नॉट रेंडर देन इसको रेंडर ऑपरेटिव ना करें. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वर्कर का और दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्कर का एम्प्लॉयर का दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन टू नोटिफिकेशन एंड शेयर एंड कॉमेंट्स ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी मच.